जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा आरटीजीएसओ भर्ती डॉक्यूमेंट के बारे में, जो फिजिकल हो रहा है वहां उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है उसमें क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक दानापुर जडारो के अंदर जो भर्ती हुई थी और वहां पे एक जो कैंडिडेट थे उन्होंने मुझे भेजा है लिस्ट, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा मैं शेयर कर दूं कि वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हो गया आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका रन स्लिप। रन स्लिप क्या है, ये आपका क्या है वही आपको मिलेगा जब आप रनिंग पास कर लोगे, फिजिकल पास कर लोगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका हैंड राइटिंग सैंपल, है ना, हैंड राइटिंग सैंपल क्या है ये आपसे वही लिखवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका एफिडेविट, एफिडेविट जो वहां पे दे रखा है आपने, वो जो एफिडेविट कौन सा है जो 10 रुपए के उसमें है जो, ठीक है ना, वो आपने बनवा लेना है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका हाई स्कूल। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट में सबसे पहले आपका क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, दो चीज हो गई। उसके बाद 12th क्लास में आपका मार्कशीट, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है, दो चीज हो गई। उसके बाद हो गया आपका स्नातक, स्नातक में दोस्तों आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल की क्या है मार्कशीट, इसके अलावा आपका जो स्नातक का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके बाद हो गया आपका शास्त्री या आचार्य इन संस्कृत, ठीक है, आपका पास जो शास्त्री और आचार्य है उसका जो डिग्री डिप्लोमा वो होना चाहिए। और उसके बाद क्या है 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड, ठीक है, अगर आपके पास शास्त्री और आचार्य के दौरान मेन या फिर कोर सब्जेक्ट के रूप में कर्मकांड नहीं था फिर आपको अलग से कर्मकांड की भी जरूरत है। ठीक है, एडिशनल सर्टिफिकेट, एडिशनल में दोस्तों आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल सरपंच, ठीक है, या फिर एसपी, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल या फिर सरपंच से या फिर एसपी से, ठीक है ना, इशूड विद इन लास्ट 6 मंथ, ठीक है ना, ये आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, ये आपका डीएम या फिर एसडीएम का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट या फिर रिलीजन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका डीएम, एसडीएम, एसडीओ से या फिर सरपंच से, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगर आप सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना, सन ऑफ वार विडो है तो उसका आपका रिलेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास अगर कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है आपने लिखा हुआ है तो वो भी आप वहां पे दिखा सकते हैं। इसके बाद आपका कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, ठीक है, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, बैंक का में अगर आपका अकाउंट है तो उसके जो आपकी पासबुक है तो उसका अपना फर्स्ट पेज लेके जाना है वहां पे फोटोकॉपी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैरिड सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये भी अपने साथ कैरी करना है जिसकी भी शादी हो गई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एफिडेविट एज पर नोटिफिकेशन, जो भी आपको एफिडेविट लागू है जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो आपने अपने साथ कैरी करना। इसके बाद दोस्तों एंडेमनिटी बॉन्ड एज पर नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों मेन ड्रग्स सर्टिफिकेट एज पर नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों आप इसको अभी बनवा लें या फिर जैसे जैसे आपकी रैली आएगी, अभी ये क्योंकि हर भर्ती रैली में मांग रहे हैं, ठीक है। ड्रग्स सर्टिफिकेट क्या होता है आपने उससे क्या पता चलता है कि आप कोई नशा करते हैं या नहीं करते हैं अत्यधिक मात्रा में, ठीक है ना। तो ड्रग्स सर्टिफिकेट कहां से बनता है, ये आपके नजदीकी जो ये पैथोलॉजी लैब सेंटर होते हैं, है ना, वो इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको भी बनवाकर अपने साथ लेके जाएं, अगर नहीं लेके जाते हैं क्योंकि इसका क्या पेमेंट होता है ये कम से कम 1000 या 1500 रुपए का बनता है, तो अगर आप इसको बाद में भी मतलब इसको जमा करा सकते हैं जब आपका वहां पे फिजिकल पास हो जाएगा उसके बाद भी क्या है आप इसको जमा करवा सकते हैं। इसके बाद है आपका बॉडी टैटो सर्टिफिकेट एज पर नोटिफिकेशन, ये जिसको लागू है उसी को चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेडिकल डॉक्यूमेंट, वो
आपका बाद में जो मेडिकल फिट होगा उसका वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको आरटीजीएस जो अभी भर्ती चल रही है उसके में जो वहां पे डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं उसकी लिस्ट आपको बताई। ये लिस्ट क्या है, दानापुर जेडारो में जो उम्मीदवार थे उनके द्वारा मुझे भेजी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बने रहे चैनल के साथ भारतीय सेनाओं और सीआरपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए। चलो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।